नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस अनूप शहर का प्रधानाचार्य के रूप में आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में शुभकामनाएं देता हूं। इस 75वें गणतंत्र दिवस पर मुझे यहां लगभग 5 साल का कार्यकाल मैंने पूरा किया और उस अपने कार्यकाल पूरा करने में मुझे सभी लोगों का सहयोग मिला, जिसके लिए मैं हृदय से सभी का आभारी हूं। खास तौर से अनूप शहर के रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों का, पेरेंट्स का, बच्चों का और जो भी लोग परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मुझे जानते हैं, उनका जो भी मुझे सहयोग मिला, मैं उसके लिए भी हृदय से उनका आभारी हूं। अपने समस्त शिक्षकगण, जिन्होंने दिन रात इस विद्यालय की ऊंचाई प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह इस विद्यालय के लिए दिन दूनी रात चौकनी तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, कालचक्र बदल रहा है, समय बदल रहा है और हम सबको इस समय की परिधि के साथ, इस समय के साथ विचरण करना होगा, चलना होगा, रहना होगा और समय के साथ अपने आप को बदलना भी होगा। परिवर्तनकारी व्यक्ति ही आने वाले इस युग में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, चाहे वो बच्चों की तरफ से है, चाहे वो समाज की तरफ से है, चाहे वो कम्युनिटी की तरफ से है। बिना अपडेटेड आदमी इस समाज में आगे आने वाले समय में नहीं रह पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, सभी अध्यापकों से अपेक्षा है और बच्चे ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे टीचर्स हम सबको वो ज्ञान दें, हम सबको वो बताएं जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया है। फिर चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो ऐतिहासिक क्षेत्र हो और चाहे वो अपने परिवार में रहने का क्षेत्र हो, बच्चों की अपेक्षा आपसे बढ़ती जाएगी, उनकी उपेक्षा ना करें, ये मेरा आपको आदेश भी है और सलाह भी है। हम सब का जीवन, हम सब की रोजी रोटी इन बच्चों के हिसाब से चलती है और आने वाले समय में ये बच्चे हमें मजबूर कर देंगे कि हम अपने आप को अपडेट करें, हम इनके हर उस सवाल का जवाब दें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनके दिमाग में आया है। दोस्तों, हम सबको अपनी पहचान बनानी है और पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है। पहचान बनाने के लिए हम सबों को बहुत सारा काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, ये चीज हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, उसको आकार देना होगा, उसके ऊपर विचार करना होगा और ध्यान रखें कि इस मामले में किसी का तिरस्कार नहीं करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सब ये ध्यान रखेंगे तो आपका वो व्यवहार आपको एक प्रतिफल के रूप में मिलेगा और जो समाज में रहने वाला हर वर्ग आपको उसी दृष्टि से देखेगा, आपको पसंद करेगा, आपके विद्यालय में अपना बच्चों को भेजना पसंद करेगा।
आप नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर अभिभावक का फर्ज है कि आपको पूछे कि आप इस सत्र में उनके बच्चों को नया क्या दे रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस मुद्दे पर जरूर विचार करें, क्योंकि अभिभावक को यह बिल्कुल हक है आपको पूछने का कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार आप हमारे बच्चों के लिए नया क्या कर रहे हैं, आपके विद्यालय में नया इस बार क्या होना है, क्या काम करना है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनको कभी भी तिरस्कार सहना नहीं पड़ता, तिरस्कार उनसे दूर चला जाता है, उनका एहसास, उनका आभास और उनका व्यवहार व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत के लिए प्रेरित करता है और समाज के वो एक अभिन्न अंग बनकर इस समाज को सर्व करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उन्हें मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से इस 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।